पवनदीप और अरुणिता का भैया काफ़ी टाइम के बाद ऐसा लव मोमेंट निकल के सामने आया है, ऐसा प्यारा वीडियो निकल के सामने आया है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और कुछ लोगों ने देख लिया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसको शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बताया है, हमने आपको अपडेट दी थी गाइज कि अरुदीप इस वक्त चंपावत में है, उन्होंने राखी सेलिब्रेट की। पिछली बार भी अरुणिता पवनदीप के साथ चंपावत में आई थी, राखी सेलिब्रेट की थी, लेकिन इस बार फिर से पवनदीप अरुणिता को लेकर आए थे और अरुणिता ने चंपावत में आकर ही यहीं पर ही भाई बनाए हैं और उनको राखी बांधी है, मतलब चंपावत में ही राखी है वो सेलिब्रेट की है। अब गाइज काफी लोग मान नहीं रहे थे कि भैया अरुदीप है वो चंपावत में है, एक फोटो भी निकल के सामने आया था। अब सेम उसी ड्रेस में पवनदीप अरुणिता दिखाई दे रहे हैं एक बाइक पर। जी हाँ, पवनदीप की नई बाइक जिसमें अरुणिता को लेकर पहले भी घूमते हुए दिखाई दिए थे, सेम बाइक राइड करते हुए वो चंपावत की सड़कों पर दिखाई दिए। जी हाँ, चंपावत की गलियों में वो दिखाई दिए हैं, जिसमें अरुणिता पीछे बैठी हुई नजर आ रही है और पवनदीप आगे बाइक राइड कर रहे हैं और ये इतनी तेजी के साथ निकले कि भैया इन्होंने सोचा कोई कैमरा हमें नहीं कैप्चर कर पाएगा, लेकिन एक फैन ने इनको कैप्चर किया है। और अरुणिता ने जब ये कैमरा देखा तो उन्होंने मुंह छुपाने की कोशिश की, लेकिन भैया ये कैप्चर हो गई और वो ड्रेस भी सेम जो अरुणिता राखी बांध रही है वही सेम ड्रेस पहने हुए अरुणिता पीछे बैठी हुई नजर आ रही थी। तो ये तब का वीडियो है जब पवनदीप अरुणिता चांदनीदीप राजन के घर गए थे और वहां पर राखी बांधी थी, तो पवनदीप अरुणिता तब कैमरे में कैप्चर हो गए थे। वीडियो बिल्कुल शॉर्ट सा है, लेकिन अरुदीप के फैंस को बस यही चाहिए था कि दोनों साथ में है, चंपावत में घूम रहे हैं, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। जी हाँ, क्यों सही बोला ना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ आप सेकंड न्यूज को गाइस सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लगातार हम आपको अरुदीप की अपडेट दे रहे हैं और भी जो भी वीडियो निकल के सामने इनके चंपावत से आते हैं सबसे पहले आपको देंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन रहने के बाद ये जाएंगे इंटरनेशनल टूर के लिए। तो अभी थोड़े टाइम मस्ती चल रही है, घूमना फिरना हो रहा है और त्यौहार को सेलिब्रेट किया जा रहा है फैमिली के साथ। इस पर आप क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।